दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये जो COD पेमेंट होती है ये आपके अकाउंट में कैसे आती है और ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियोस पे, और कई सारे लोगों ने पर्सनली भी बोला है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स के अंदर एंटर कर रहे हो या आपने ऑनलाइन सेलिंग अभी अभी स्टार्ट करी है तो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं COD पेमेंट्स होती क्या है। दोस्तों, COD को जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि आपका जो कस्टमर है जब उससे ऑर्डर डिलीवर होगा उसके बाद वो पेमेंट करने वाला है। तो दोस्तों, इसे अगर आप एक सेलर हो उसके व्यू पॉइंट से समझते हैं, मतलब कि आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपके पास एक ऑर्डर रिसीव होता है COD के अंडर। COD में आपके पास कोई पेमेंट नहीं है, बस ऑर्डर रिसीव होता है। आपको उस ऑर्डर को पैक करना है, एंड पैक करके उस ऑर्डर को डिलीवर करवा देना अपने कस्टमर के पास, और ये जो डिलीवरी करेगा ये कोई भी कोरियर पार्टनर आप चूज कर सकते हो, लेकिन मैटर करता है जो ऑर्डर है वो कस्टमर तक पहुंचे। जब कस्टमर के पास वो ऑर्डर पहुंचेगा, कस्टमर उस ऑर्डर को ले लेगा और उसके बाद वो पेमेंट करेगा उस कोरियर पार्टनर को, और वो जो पेमेंट है वो कोरियर पार्टनर के पास पहुंच गया, उस कोरियर पार्टनर से वो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। ये सिंपली COD का पूरा प्रोसेस होता है, अगर बहुत इजीली मैं समझाऊं तो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो होता है कोरियर पार्टनर। कोरियर पार्टनर मतलब कि किस कंपनी के थ्रू आप उस ऑर्डर को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, और इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, सैटोफैक्स हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, या फिर डिलीवरी करके जो एक कंपनी है वो हो गई, या और भी कई सारे ऑप्शंस आपको इन कोरियर पार्टनर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो आपकी पेमेंट होती है वो इन कोरियर पार्टनर्स से आती है। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि लाइक वो शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो शॉपिफाई आपकी COD पेमेंट आप तक पहुंचाती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। शॉपिफाई या कोई भी प्लेटफॉर्म आपने WooCommerce यूज करा है आपने, या फिर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करा है, दुकान करके एक प्लेटफॉर्म है वो यूज करा है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, उसके अंदर जो COD की पेमेंट होती है ना वो ये प्लेटफॉर्म हैंडल नहीं करते। इन प्लेटफॉर्म का काम होता है सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसपे कि लोग सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी पेमेंट को नहीं छेड़ते। आपकी जो पेमेंट होती है, अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो उसके लिए पेमेंट गेटवे आता है, और अगर ऑफलाइन पेमेंट है मतलब COD वाली पेमेंट है उसके लिए आपका कोरियर पार्टनर जिम्मेदार होता है। तो आपके पास जो आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी COD की पेमेंट, वो कोरियर पार्टनर्स के थ्रू आने वाली है। लेकिन अब बात आती है इन कोरियर पार्टनर्स से आपके अकाउंट में कैसे आती है। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि आप जब भी ऑर्डर डिलीवर करवाते हो तो वो किसी कोरियर पार्टनर के थ्रू करवाते हो। जब भी किसी कोरियर पार्टनर से आप ऑर्डर बुक करते हैं तो जो आपके पास पोर्टल आता है उस पोर्टल के अंदर आपको COD का ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइक मैं एग्जांपल लूँ SipRocket का, जो एग्रीगेटर है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कोरियर पार्टनर के। अगर आप SipRocket के थ्रू कोरियर बुक करवाते हैं तो वहां पर जो उनका बिलिंग वाला सेक्शन है उसके अंदर जाके COD रेमिटेंस करके एक ऑप्शन आता है, वहां पर जो भी आपकी COD की पेमेंट्स होती है वो वहां पर शो कर देती है। अब ये जो शो करती है ना, ऑर्डर डिलीवर होने से 2 से 3 दिन के अंदर आपको वहां पर दिख जाती है, अगर मैं सिर्फ SipRocket की बात करूं। इसी तरीके से अगर आप कोरियर पार्टनर की डायरेक्ट वेबसाइट पे उनके पोर्टल पे जाके बुक करते हैं तो मे बी एक थोड़ा सा अलग हो सकता है। किसी का 4 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन तक भी जाता है, और किसी का विद इन 24 आवर्स भी हो जाता है। तो हर एक के लिए अलग होता है, लेकिन आपका जो पोर्टल है वहां पर ये पेमेंट आपको दिखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आपकी जो पेमेंट यहाँ पर दिख रही है, इसके बाद ये नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर इस पेमेंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कई जगह ये ऑटोमेटिकली होता है, कई जगह आपको मैन्युअली इन पे जाके रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है कि ये जो पेमेंट आपको दिख रही है आपके COD रेमिटेंस के अंदर ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। और कई बार ये भी हर एक कंपनी के लिए अलग होता है, बट अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस बोलूँ, ये पूरा मतलब आपका जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है उससे लेके आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए वो लगभग लगभग 10 दिन का मान सकते हो। 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 90-95% पेमेंट सारी आपकी आ जाती है, अंटिल कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी आप किसी कोरियर पार्टनर के साथ ऑर्डर बुक करते हैं, चाहे वो SipRocket हो चाहे कोई दूसरा हो, वहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी अपडेट करनी होती है। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट ही नहीं करते और फिर वो सोचते हैं पेमेंट कैसे आएगी, फोन पे में आएगी, कैसे आएगी। नहीं, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी ठीक होनी चाहिए, उसे जरूर चेक करना एंड अपडेट जरूर करना वहां पर जिस भी कोरियर पार्टनर को आप यूज कर रहे हैं। और ये सिंपली पूरा प्रोसेस था COD पेमेंट्स का। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने एक वीडियो और बना रखी है COD के ऊपर, जिसके अंदर आप अपने Shopify के ऊपर COD कैसे ऐड करते हैं, या उसके अंदर और भी कुछ डिटेल्स में बातें करी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो एंड उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।